अरे ये क्या जरूरत थी भाभी इसकी, क्या जरूरत थी? अरे भैया आप आए कुछ तो लेके आना। देखो देखो मैं पेड़ पड़ रहा हूँ दोस्तों, पेड़ पड़ रहा हूँ। छोटा लग रहा है तू मेरे सामने। आज से भैया आपके लिए खाना लाई हूँ मैं। हाँ क्या? सिर्फ आपके लिए, आपका फेवरेट। शूट करो शूट करो। ऐसा है क्या? देखो कौन है अर्जित भैया, नहीं भैया बस हो गया। बड़ी हर हर विजिट में बड़ी लगती है। एक एक करके कांदा टमाटर ककड़ी सब आओ। इधर 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 मिलो। बहुत दिनों बाद मिल गया, अच्छा लगा। बॉडी बॉडी मस्त हो गई तेरी तो। टाइट टाइट लग रहा है भैया। हाथ से एक बाम लगाओ आप इसको। बाम लगा, जा सूज गए हाथ, हाथ सूज गए। लगाना पड़ेगा थोड़ा। ज्यादा कम नहीं है, ज्यादा कम नहीं है। बढ़ गया तुम्हारे यहाँ सुनी नहीं। कैसा रहा ट्रिप? कल निकले थे ना तुम, सच बताओ। कल निकले तो अभी हम सब मिलके खाना खाएंगे बहुत दिनों बाद। कितने सालों बाद? 50 60 70 आज से 4 महीने। और ये अभी हमारे अपकमिंग दूल्हे राजा। और ये हमारे अभिषेक बच्चन। अरे नहीं नहीं हाँ, ये आज के गाड़ी चलाने के बाद सहमे में है, सदमे में चले गए हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बोल के। और एक बार जो सो गए वो बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू। हो गया बहुत टेस्टी और ये तो पूरा थक गया है वो। अभी 2-3 महीने गाड़ी बाकी लगाएगा। और यहाँ पर लेडीज लोगों का खाना स्टार्ट। हाय पूजा, यहाँ पे सब फिटनेस वाले लोग हैं ना, तो हम कल कल जा रहे हैं दुर्गा टेकने। कौन कौन उठने वाला है कल जाने के लिए? चैलेंज है उठना। हमारी बच्ची उठेगी, नायडा उठेगी, सबको सबको उठाएगी, वो सबको उठाएगी। उधर से आने के बाद एकदम मस्त। 5 मिनट 3 मिनट नहीं, 15 मिनट। 5 किलोमीटर तो अपन इधर से पैदल जाएंगे, दुर्गा टेकड़ी चढ़ेंगे, बहुत सही है वो तो। उतर जाएंगे, आते भी पैदल आएंगे। सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। पर 2 प्लेट पोहा खाएंगे। ऊपर का व्यू अच्छा है क्या भाभी? अरे बहुत अच्छा है। चलो डर, दुर्गा टेकड़ी जिंदा पार्क। सुबह कितने बजे? 7 बजे 5 बजे 7 बजे मिस्टर निखिल तिलकपुरे उठेंगे संडे को, वो सबको उठाएंगे। अपन नाश्ता करके गए तो चलता ना? नहीं बंद हो जाता है। नहीं 10 o'clock से पहले बंद हो जाएगा। फिर कैसे करेंगे अपन? 8:30 उठेंगे, 9 बजे तक सब ब्रश करेंगे, 9 बजे निकल जाएंगे। 8:30 ये अच्छी आइडिया है ब्लॉग के लिए, साड़ी वीडियो लेके दुर्गा टेकड़ी जाएंगे। ये शूट कर रहे हैं प्रेशर ही डाल दिया है कि तुम 1 महीने का करना है। अब उसका दिमाग हो गया, अब जो आत्मे मटेरियल वो डाल देंगे।
अरे उसका जैसा गिम्बल का तेरे को पता है वो भाभी यूज करते हैं ना, ऐसे जाते हैं ना हम लोग पास में लेके जा रहे हैं तो ऐसा हो जा रहा है डायरेक्टली ऊपर इधर हो रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है वो सेटिंग नहीं आ रही है मेरे पास फिर भी हिलता है ऑटोमेटिक हिलते रहता है ऐसा इसके लिए हेवी कैमरा चाहिए पिक्चर नहीं कुछ नहीं सिर्फ लाएंगे अपन कितने साल के बाद मिले जाएगा वन मंथ के बाद ऐसी सोई है मेरे पास अभी मैं आपको बताता हूँ जब हम चापुरा गए थे शुभम के घर पे और हमने रात में भूत की बातें की थी तो उसके बाद जो सबकी हालत हुई थी वो देखो कैसी थी अभी हम सब वही डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारे बेटी के लिए नीचे अरे भैया भैया को भैया तो ऐसे मत रो देंगे थोड़ी देर में भैया ऐसा होगा तो रो देंगे दुर्गेश का वीडियो देखा था ना मैं इसलिए इतनी डरी थी ना वो वीडियो था वो बात खत्म मैं तो इधर भी वैसे ही होगा वो वीडियो में वो फिल्टर आता है ना जिसमें स्पेक्स लगता है अगर अपने फेस को डिटेक्ट करता है तभी वो चश्मा आता है ना उसमें तो वो सबके उस पे आ रहा है और उसके बाजू में भी एक के ऊपर आ रहा है जो और वो हमेशा उधर कोई नहीं है उधर कोई नहीं है पर उसके ऊपर वो आ रहा है क्या आ रहा है स्पेक और वो चश्मा वाला फिल्टर नहीं आता बहुत दिख रहा है और हां वहां पे था ही मैं स्नैपचैट अनइंस्टॉल कर रहा हूं यहां पे चल रहा है मस्त आ रहा है मस्त आ रहा है अरे बाजू वाले कौन है और वहां सच में था हां ना और अंदर बहुत बड़ा है और वो तो छोड़ो रात को सब डर रहे प्रेरणा भाभी योगिता भाभी उसके बाद में कल्पेश भैया संजय सब रात को डर रहे और सुबह उठ के हर एक को दुर्गेश को ढूंढ रहे फिर क्या हुआ तेरे दिन क्या हुआ तेरे दिन बता दे रात भर नींद नहीं आई उसने कम से कम सुबह से हम निकलने तक 5 से 6 बार वो स्टोरी रिपीट की होगी बार 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 तो भी मेरा सुनना रह गया था कल्पेश के बाद दुर्गेश उठ मेरे को पता क्या हुआ था कॉन्फिडेंस कम लूज हुआ जब प्रेरणा हम पहले बोली कि मैं नहीं डरती बोले मैं सो जाऊंगी कॉर्नर में फिर ठीक है कॉर्नर में सोने की बारी आई और मैं कॉर्नर में सोने वाली थी मैंने ठीक है चलो नहीं डरना है फिर प्रेरणा अभी थोड़े शांत बैठी थी बैठे फिर बाद में समझ गए कि यहाँ पे सच में डर लग रहा है मेरी मामी जी काम करते कि तुम इधर से सोते क्या वो सारा प्रेरणा अभी भी डर रही है आपको डरना पड़ेगा मुझे वो बहुत भारी लगा कल्पेश भैया फोन करके बोलते मैं आऊंगा नीचे बस तुम हमको किचन तक लेने आओ